बढ़ते झारखंड की। मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। रघुवर दास के इस फैसले से रेल यात्रियों की परेशानी बहुत हद तक दूर होगी। रघुवर सरकार की बड़ी पहल, रेल यात्रियों को बड़ी सौगात। IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ। सुख सुविधा और खान पान का रखेगा ख्याल। आए दिन यात्रियों को चलती ट्रेन में खान पान की सुविधा को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है। ट्रेन खुलने के बाद यात्रियों के खान पान की सुविधा भगवान भरोसे होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़ी पहल की है। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन रांची रेलवे स्टेशन के पास किया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के मार्गदर्शन में DRM ने इस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के खुलने से यात्री सीधे तौर पर शिकायत वाया TC के मुख्यालय तक कर पाएंगे। रेल यात्रियों की सुख सुविधा और उनके खाने पीने का ख्याल IRCTC के अधिकारी रखेंगे। इसकी काफी समय से डिमांड थी। लास्ट टाइम जब CRB साहब आए थे तब CM साहब ने भी इसका रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने CRB साहब ने इसके लिए डायरेक्शन दिया IRCTC को और हमको। हमने तुरंत जगह प्रोवाइड करी और आज ये ऑफिस आपके सामने है। इससे आपकी जो कैटरिंग व्यवस्था है, क्योंकि IRCTC कैटरिंग करता है सभी ट्रेनों में, तो उसमें सुधार होगा। और बता रहे हैं कि टूरिज्म का भी यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी देंगे, टूरिज्म बुकिंग का, तो टूरिज्म में लोगों को फायदा होगा। इस पहल से विदेशों के साथ साथ स्थानीय पर्यटक भी पर्यटन स्थल तक अपनी सुविधा के मुताबिक जा पाएंगे, जिससे न सिर्फ रेलवे बल्कि स्थानीय पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग के साथ, शिक्षा विभाग के साथ हमारा काफी प्रोजेक्ट चलते हैं। टूरिज्म, जो लोकल टूरिज्म सर्किट, हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट सबका पैकेज बुकिंग ये ऑफिस से होगा, तो टूरिज्म के लिए और खान पान का जो शिकायतें हैं उसका भी हम लोग तुरंत कार्रवाई होगा जो उसमें और ना आए। रघुवर सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए सराहनीय पहल की, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा मसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।